तो भैया आप सभी को पहले दिल से राम राम। मैं मुकेश चंद्रगोण नोएडा इंडिया से, और आज बी डीजल इंजन टाइमिंग के बारे में बात करेंगे। और टाइमिंग इतनी डिटेल में देंगे ना भाई कि कोई दूसरी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी डिटेल में टाइमिंग देंगे, और सिर्फ एक बार टाइमिंग को समझोगे आप जिंदगी में किसी भी बी डीजल के बारे में कभी कोई मिस्टेक नहीं हो सकती आपसे। इतनी डिटेल और इतनी तरीके से टाइमिंग देंगे। और चूंकि मैं कर रहा हूँ इसका इंजन ओवरऑल, तो इसलिए मैं पूरी डिटेल में आपको टाइमिंग बता रहा हूँ। और गाड़ी बकायदा स्टार्ट करके भी आपको टाइमिंग दिखवाएंगे कि कैसा है, गाड़ी स्मूथ है कि नहीं है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो हमने पीसीबी फिल्टर चेंज कर दिया है, और जब भी इंजन ओवरऑल करो, मैं आपको आगे से भी बता रहा हूँ जो भैया अभी है, जब भी इंजन ओवरऑल करो ये पीसीबी फिल्टर चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना भविष्य में आप भी पछताओगे इंजन ओवरऑल करना। अब टाइमिंग का चूंकि हमें समझना है, तो टाइमिंग बिल्कुल सिंपल है। आप देख सकते हैं ये कट, जिसमें स्टार एलंकी कट पे लगा हुआ है, ये और एक ये, दो जगह स्टार एलंकी मैंने लगा दिया, एलंकी स्टार वाली नहीं है। ये टाइमिंग और कट भी देख लेते हैं लगे यहाँ, थोड़ा सा इसे निकाल भाई, इसको निकाल दो, इसको भी निकाल दो, घुमाइयो, ये देखो, देख रहे हो नहीं कट, इसी कट पे हमें एलंकी फिट करना होता है। अभी हमने यहाँ से लॉक कर लिया और यहाँ से लॉक कर ली, ये देखो, ये वाला नट खोल के, एलंकी वाला नट खोल के हमने यहाँ से लॉक कर लिए और एक यहाँ से लॉक कर ली, ये हो गया केम की टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, अब क्रैंक की टाइमिंग का देखना है। तो केम की टाइमिंग ओके, अब क्रैंक की टाइमिंग के लिए शुरू करते हैं। अभी कसेंगे तब क्रैंक की टाइमिंग दिखाएंगे, लेकिन पीसीबी फिल्टर चेंज करना बहुत ज़रूरी है भाई इंजन करने के बाद। और महंगा आया 7 लेट का, मुझे लग रहा है 1200 कुछ रुपए का है, अभी मैं मंगाया है तो लगे हाथ में बता भी देता हूँ इस चीज़। ठीक है, अब सफाई कर दिए, जो जंग लग रहा था पानी वाला जंग, पानी से धोते हैं ना तो जंग आ जाता है, अभी सफाई करके अब फिट कर लेते हैं। अभी सबसे पहले हमने केम का लॉक कर लिया टाइमिंग, ठीक है, और तुम लोग ही समझते रहो लगे हाथ दोनों के दोनों, कभी यह दुनिया समझे तुम लोग ना समझो। हाँ, अभी बाइलेंसर की टाइमिंग बहुत जरूरी है भाई, ये बाइलेंसर है और इसकी टाइमिंग पहले बताऊंगा, क्योंकि यार कटाकट ऊपर से टाइमिंग बता देते हैं और नीचे की टाइमिंग ऐसे रह जाती है। तो इंजन खुला है तो कंप्लीट टाइमिंग देखें, ये बाइलेंसर की टाइमिंग है, देखो। अब इसकी टाइमिंग कहाँ रखनी है, क्योंकि ये वाली भी गरारी फ्री है और टाइमिंग चैन वाली भी गरारी फ्री है, यानी दोनों की गरारी फ्री है, तो कहाँ रखना पड़ेगा इसकी टाइमिंग को। अभी एक 12 नंबर का बोल्ट ले लेते हैं सिंपली, और इसको यहाँ कहीं, ये देखो, ये लॉक हो गया, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। और यहाँ से इसका लोकेशन देख लो, हिसाब किताब कहाँ आएगा, देखो ये सुराग देख रहे हो ना, ऐसा ऊपर में आएगा, और ये कंडीशन है पूरी अच्छी तरीके से देखो, ठीक है। और यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, ये हो गया अपना बाइलेंसर की टाइमिंग। अभी इसको छेड़ेंगे नहीं, ठीक है, इतने पे रखेंगे, यहाँ पे लोक मार रहे हैं इसको, क्रैंक को लोक मार, एक सेकंड रुक जा, थोड़ा सा कैमरे को क्लियर करने दे, चल मार अंदर डाल, चल, ठीक है, ये हो गया क्रैंक लोक, 5 की एलकी है, एलंकी से इस क्रैंक को लोक कर लेंगे। अभी क्रैंक की टाइमिंग ओके और ये वाली टाइमिंग ओके, ठीक है, बाइलेंसर की दो टाइमिंग ओके हो गई, और तीसरा केम की टाइमिंग। तो केम की टाइमिंग के लिए एक दिखाया मैंने यहाँ, और एक सेम कंडीशन ऐसे ही स्टार एलंकी, ये लगा के अपना हो गया टाइमिंग। बाइलेंसर तो लोक है ही है, ये देखो गरारी, ये फ्री है और ना ही इस पर कोई मार्का है, तो कन्फ्यूजन कहाँ होता है, बड़ा तगड़ा कन्फ्यूजन है भाई, इसलिए मैं बड़े कायदे में समझा रहा हूँ टाइमिंग में, बार बार इसकी टाइमिंग दूंगा नहीं, रिपीट करूंगा नहीं। ये फ्री है, लेकिन इसको लॉक करके अंदर घुसा दो इसे सीधा सीधा, गुजरे गरारी कैसे, ये घुस गई, अभी इसको घुमाएंगे तो फ्री गरारी घूमेगी, ठीक है। और उसके बाद से ये टाइमिंग, ये दोनों गरारी फ्री है, ये भी और ये भी, दोनों फ्री है, लेकिन हमें लॉक करके इसको लॉक कर लिया बाइलेंसर को यहाँ से, फिर केम को लॉक कर लिया वहाँ से एलकी लगा के, ठीक है, और इसको दोनों को लॉक कर लिया, एक यहाँ एलकी लगा के और एक यहाँ एलकी लगा के, ठीक है, दोनों को लॉक कर लिया।
अब टाइमिंग चेन चढ़ा देंगे। टाइमिंग चेन लगाने के बाद से कोई टाइमिंग लॉक नहीं निकालेंगे। सबसे पहले इस फुल्ली का बोल्ट टाइट करेंगे, मेन फुल्ली टाइट हो जाएगा ये, उसके बाद से फुल्ली टाइट ये हो जाएगा, तब जाके सारे लॉक निकालो, उससे पहले लॉक नहीं निकालेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं डिटेल में टाइमिंग दिखा भी रहा हूँ, क्योंकि जो ना उल्टे सीधे टाइमिंग अच्छे लगते नहीं है। कोई डिटेल में टाइमिंग करे, इंजन कर रहा हो, टाइमिंग में कंफ्यूजन हो, तो टाइमिंग देख सके। ये तो बीट का इंजन ओवरऑल है, पूरा नहीं दे रहे इंजन ओवरऑल का, लेकिन पेट्रोल जो गाड़ी है बीट, उसका मैंने हाल फिलहाल ही दिया हुआ है, तरीके से ही वीडियो है उसका, वाइट स्मोक दे रही थी, तो वो वीडियो आप लोगों को जरूर देखना चाहिए, मैंने अपलोड कर रखा है, क्योंकि ब्लैक स्मोक पे डीजल का बहुत सारा वीडियो हो गया ना, इसलिए मैं अभी फिलहाल कितना यार देगा ब्लैक स्मोक पे, ठीक है, तो उसे देखो। और भाई लाइक वाइक जो है ना जरूर याद से कर दिया करो वीडियो में, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है, एक लाइक जरूरी होता है, आप जितना लाइक करोगे तो मेरे को लगेगा ना कि हाँ वीडियो अच्छा है, तो और मैं कोशिश करूँगा और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो बनाने का। अभी तो काम का ही प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्या करें, नाइट में देख ही रहे हैं कि नाइट में हम लोग लगे हुए हैं आजकल, नाइट क्या डे क्या बस निपटा ही रहे हैं हर हाल में। अब ये एडजस्टर लगा दिया, सारा टाइमिंग चेन सिस्टम लगा दी, अभी इसको फुल्ली टाइट मैंने कर दी लॉक पे, ठीक है, इसको फुल टाइट कर दिया, बाद में भी टाइट कर लेंगे, अपना कॉन्फिडेंट है, आपका अपना आइडिया है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपीरियंस की बात है, आपको कैसे करना है, टाइमिंग घूमे ना बस। अब यहाँ टाइट कर दी मैंने, पर आप अपने हिसाब से करना है, ये नहीं है फिलहाल, तो ये दोनों एक साथ ही टाइट होंगे, तो अभी मैं कवर ठोक देता हूँ इस पर, और कवर ठोकने के बाद फिर ये लगा के फुल्ली टाइट करके तब टाइमिंग के सारे लॉक निकालूंगा, ठीक है। अब साइड प्लेट लगा ली इसकी टाइमिंग प्लेट, अब ये वाली गरारी जो है ना ये लगा के टाइट कर लेंगे, तभी सारे लॉक निकालेंगे इसके। अब हमने पुल्ली ये लगा दी, ये बोल्ट टाइट करा, किस कंडीशन में टाइट करा बोल्ट, पहले बाइलेंसर का लॉक, ठीक है, बाइलेंसर का लॉक मैंने कर लिया, बाइलेंसर हो गया, क्रैंक का लॉक यहाँ से कर दिया, 5 की हल्की, ठीक है, ये फ्री है, ये लॉक हो गया। अब तेरा ये यहाँ से लॉक कर दी मैंने एलंकी से, केम का, ठीक है, इनटेक केम, ये आउटपुट एग्जॉस्ट केम, स्टार एलंकी का, ठीक है, ये दोनों केम लॉक कर रखी है, बैलेंसर लॉक, फ्लाईव्हील लॉक। अब फुल्ली टाइट करेंगे, ये उल्टी चूड़ी होती है, यानी कि फुल्ली टाइट इधर करेंगे, तब जाके सारे लॉक निकालना पड़ेगा, उससे पहले नहीं निकलेगा। इसकी सीधी चूड़ी है पर इसकी उल्टी चूड़ी है, तभी फुल टाइट कर लिया, अब सारे लॉक निकाल देंगे, चल निकाल दे सारे लॉक, और निकाल के एक राउंड घुमा के देखना पड़ेगा कम से कम कि क्या कंडीशन है, तो राउंड घुमाना सीधा ही पड़ेगा, ठीक है। अभी स्टार्ट करिए, स्टार्टिंग बढ़िया हो गई, फर्स्ट क्लास गाड़ी में इस टाइम बिल्कुल सेट है गाड़ी, कभी टाइमिंग से रिलेटेड मैंने दिखाया था तो टाइमिंग बिल्कुल प्रॉपर है, इस टाइम स्टार्टिंग बढ़िया है, साउंड भी ओके है, जो टाइमिंग मैंने दिखाया था उसी टाइमिंग पे मैंने इसका गाड़ी स्टार्ट करा, ठीक है, और इंजन करा चुकी तो इंजन के लिए मैं दिखा सकता हूँ, इंजन की कलाकारी इससे होती है, इससे पता पड़ती है इंजन की कलाकारी, इंजन कैसा है आपका, कितना बढ़िया इंजन दमदार बनाया आपने, यहाँ से पूरा पता पड़ जाता है। चलो बहरहाल जो भी हो, बहरहाल बी डीजल इंजन इस टाइम बढ़िया है, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए यार दिल से थैंक यू यार आप लोगों को, दिल से थैंक यू भाई, और शकल भी देख लो, ठीक है, तो दिल से थैंक यू, नए वीडियो मिलते हैं हम लोग हर हाल में कोई ना कोई वीडियो लेके, ओके थैंक यू।